जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं फिर से आ चुका हूँ गेमिंग गैंगस्टर के बिल्कुल एक नए एपिसोड के साथ। आज पबजी खेलेंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं चेस की वीडियोस क्यों नहीं बना रहा हूँ इन दिनों। देखिए, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें व्यूज़ बड़े कम आते हैं, एक या दो व्यूज़ आते हैं, दो तीन व्यूज़ आते हैं, उसमें काम नहीं चलता। मतलब आप एक वीडियोस बनाने में, उसे एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं मिलता। अगर कम से कम एक या दो लाइक्स भी आ जाते तो वो भी बहुत है। खैर, मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, ज़रूर मैं वीडियोस लेके आऊंगा। और ये पोचिंग के हैं, माफ़ कीजिएगा, ये शुरुआत हो रहा है, ये एंगल है, ये शुरुआती कुछ घूम फिर करो ना। ये वीडियो की जब स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं ये यूट्यूब में डाल दूँगा वीडियो, एक एज अ रिकॉर्डिंग के तरफ से आप देख सकते हैं बाद में भी। और आज बिल्कुल आज रिलैक्स के दिन है, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं कुछ दिनों के लिए बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत बुखार था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था बहुत दिन, मतलब करीब करीब आप समझ सकते हैं कि ज़माना बीत गया है। आप मेरे आखिरी वीडियोस जो है मैंने जो अपलोड किया है, अगर वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हालात कैसा थे। जो भी हो, ये थोड़ा सा लैग करता हुआ मुझे लगता है। और आज के लिए हम ऐसे ही यहाँ पर पोचिंग के में उतरेंगे। कोशिश तो था ये पोचिंग के में जाने की, लेकिन प्लेन मैं शायद उतना दूर जा नहीं पाऊँगा। खैर, आज सिर्फ पबजी खेलेंगे। चेस की जो वीडियोस है वो जल्दी अपलोड हो जाएगी, और जो वीडियोस जो देखना चाहते हैं मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, जाइए देखिए। अच्छे खासे वीडियोस मैंने बनाए हैं, कुछ लेसन देने की कोशिश की है मैंने। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं लेसन देने लायक अभी तक हुआ नहीं हूँ कि, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। मेरे ख्याल से मेरा आवाज़ तो आ रहा है ना, आ रहा है मेरे ख्याल से आ रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं मिला, हो सकता है यार नहीं मिल सकता है मेरे, क्योंकि क्या हुआ ना कि जब मेरा बुखार था तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आज खेल पाऊंगा या नहीं। बहुत दिनों के बाद बिस्तर से पीछा छूटा है, और इसलिए आज बस ऐसे ही जश्न मनाने के लिए, ऐसे ही मतलब आज का मैच है, आज देख खेल रहे। ये देखा सामने सामने आ रहा है कोई, मार दिया इसे, इतना आसान नहीं है हमें मारना। जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैं चेस की नए नए वीडियोस लाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि चेस संबंधित जो भी जानकारी है वो मैं आपके सामने ला सकूं, हमेशा यही कोशिश करता हूं। इसी चैनल में आप बने रहिए, आपको चेस की नए नए वीडियोस जरूर मिलेगा।
तो वैसे जोन नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे, यही घूम फिर कर लूट करने की कोशिश है। यहाँ पर मेरे पास कोई बैग्स नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए हाँ मेरे पास कोई बैग नहीं है, इसलिए मेरे पास रखने लायक जगह नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा सा फनी स्टाइल है इस गेम का। मेरे पास बैग नहीं है फिर भी पता नहीं कहाँ पर ये रखे जा रहा है। जो भी चीज़ें अच्छा स्कोप मिल गया। अच्छा कई बार मुझे कई सारे प्रश्न आए हैं, मेरे फेसबुक में आया है कि क्या हमें गेमिंग करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए गेम एक ऐसी चीज़ है। हाँ मैं मानता हूँ वो पढ़ाई की, अगर कुछ ऐसा वैसा गेमिंग खेल रहे हो जिससे आपकी कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो तो वो सारे गेम्स मेरे ख्याल से वो बैंड हो जाना चाहिए और वैसे चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो गेम चल रही है, जो कम से कम 60 70 कम से कम लाख लाख तो हो ही जाएंगे, दो दो 3 करोड़ शायद मेरे ख्याल से पबजी के जो फ़ैन हैं वो तो उससे भी ज़्यादा होंगे। मैं पबजी के फ़ैन तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे गेम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी है, आप इसमें आराम से सर्वाइवल टाइप की कुछ गेम है। मैं बहुत पहले मतलब कि एक गेम खेला था मुझे याद है, उसमें भी लाइक कुछ ऐसा ही था। कुछ ऐसे ही सर्वाइवल टाइप का गेम था। अच्छा मैं एक बात सोच रहा हूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी 2 जो था, कॉल ऑफ ड्यूटी 2, मैं मॉडर्न वॉरफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी 2 जो गेम था उस गेम को मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग करूँ। मुझे पता है वो गेम ऐसा कुछ बहुत अच्छा गेम तो नहीं, बहुत अच्छा मतलब तो नहीं था, मतलब न्यू गेम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो गेम मुझे अच्छा लगता है। तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख कर मुझे बताइए कि कैसा लगेगा अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी 2 जो है वो खेलूँ, क्योंकि मैं डिसाइड के नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहिए, तो आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ लैगिंग के लिए फिर से। हाँ यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लैग लैग, हाँ जी हाँ लैग है, कुछ कर नहीं सकता आज वैसे लैग के अगेंस्ट, कि प्रॉब्लम ही यही है हम पीसी वालों के लिए। जो लोग पीसी में पबजी खेलते हैं उन्हें पता है कैसे लैग करता है। मसला असल में इंटरनेट का नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि शायद इंटरनेट की मसला नहीं है। जो मसला है ना ये असल में है इसका ग्राफिक्स का सिस्टम, और कुछ कुछ कोई फायरिंग हो रहा है, कोई फायरिंग हो रहा है। यहाँ पर कोई बक्सा पड़ा है यार, मतलब कोई ना कोई तो है मेरे पीछे, कोई ना कोई तो है मेरे पीछे। क्या इस घर, ओ ओ ओ ओ, घूमने का मौका ही नहीं दिया, घूमने का मौका ही नहीं दिया, बहुत अच्छा शूट किया, हालांकि पीछे से किया लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ एक किल, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मैं एक एक या दो किल से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्रॉब्लम है लगता है। खैर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे आपके साथ कुछ बातें करनी थी, मैं आपके साथ बातें कर भी रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे ये गेम खेल कर। चलिए एक छोटा मैच हो सकता है,
एक छोटा वाला मैच हो सकता है। ये 8 मिनट वाला मैच कैसा रहेगा? इसमें फाइट कमाल की होती है, मैंने 2-3 बार इसमें चिकन डिनर भी लगाया है, मेरे फेसबुक प्रोफाइल्स में भी है। ये गोल्डन एकेम, किसी को गोल्डन एकेम मिला है क्या? लिखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मिला है। मेरे ख्याल से नहीं है शायद ये गोल्डन एकेम जो भी है इसका, कि ये जो टेंपल है ना ये मेरे ख्याल से शनोक में है। अच्छा एक बात बताना है कि शनोक जो है वो क्यों नहीं खेल रहे हो? ये भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पहले एक दो में तो आया था। अच्छा मैं इसलिए खेल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो शनोक मेरे पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं करता यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है शनोक से, मतलब बिल्कुल एग्जिट हो जाता है फिर से लॉग इन होता है, लॉग आउट ही हो जाता है बिल्कुल। ये कोई प्रॉब्लम है, मैं इसका प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश ज़रूर करूँगा और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जितनी जल्दी आपके सामने ये लाया जाए। वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल गेमर ज़रूर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ एक प्रोफेशनल की तरह खेलने की, बस यही कह सकता हूँ। उतनी अच्छी टिप भी नहीं है मेरे पास, उतना अच्छा निशाना भी नहीं करते, लेकिन खैर ठीक है, आजकल यही ट्रेंड में है, खेल रहे हैं पबजी आजकल बहुत लोग खेल रहे हैं, मतलब आज तो गली गली में ऐसा ही बात हो गई कि गली गली में लोग पबजी खेल रहे हैं, इतने पबजी खेले, पबजी का जो क्रेज़ है ना वो मतलब दिलों पे छा गया है सबका। और मैं एक बात सोच रहा था कि मैं पबजी के बारे में, मतलब पबजी जो गेमिंग जो कंपनी है, जो टेंसेंट जो गेमिंग है, उसके बारे में एक आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है ना, इसने अपने प्रचार के लिए एक पैसा खर्च नहीं कभी नहीं किया, मतलब सिर्फ लोगों को पता था ऐसे ही एक गेम है, आपको अभी शायद पता होगा क्योंकि अब सर क्योंकि बहुत पहले भी पबजी था लेकिन कोई खेलता नहीं था, ये एक प्रॉब्लम है। अचानक से लोगों को जब पबजी मोबाइल में जब ओपन हुआ ना तो इसका क्रेज़ दिखने को मिला, मतलब सचमुच का क्रेज़ दिखने को मिला यार, मतलब लोग इतना खेलने लग गए इस गेम को, मेरे दोस्त लोग मेरे पहचान वाले बहुत लोग खेलते हैं यार ये गेम। और मैं जो पढ़ाई करते हैं मेरे भाई हैं, ये एक देखा ये कुछ कैमोफ्रेजिक पहन के है, मुझे डर है कि वो कैमोफ्रेज वाला मुझे मार ना दे। भाई इसके पास कैमोफ्रेज है फिर भी भाग रहा है, इसे क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं आप ही बताओ, बिल्कुल बिल्कुल डरपोक है यार। इसके पास इतना बढ़िया कवच था, मतलब इतना बढ़िया कैमोफ्रेजिक ये जो चीज है ये है, इसके बाद में वो भाग रहा है, बिल्कुल तुम दबा के भाग रहा था, आप ही बताओ यार, ये मिलने के बाद कोई भागता है क्या? कोई नहीं भागता, ऐसे ही छुप जाते हैं, सब छुप जाते हैं ऐसे। मैं थोड़ा सा मेडिकेट लगा लूँ, मेरे पास भी कुछ अच्छी खासी तो होती नहीं है। ये जो कैमोफ्रेज का मिल जाता है ना, तब एक बात होता है कि आपको जब ज़्यादातर जो जोन होता है ना, आखिरी वाला जो जोन होता है ना, हमेशा
ऐसे जगह में मिलता है कि जहाँ पर ज़्यादा जो रूम्स, हाँ लैग हो रहा है यार, क्या करें अभी। हाँ जो रूम्स होता है ना वहाँ पर गिरता नहीं है, ये ऐसे जगह पर होता है कि आप जैसे सोच भी नहीं सकते, उसे ऐसी जगह पे होता है, तो उसमें बड़ा मदद करता है ये। अच्छा, जिन लोगों को ये सवाल था कि भाई घमासान लड़ाई चल रही, तो वहां पे हम जरा दूर ही रहते हैं, मैं लड़ाई से थोड़ा सा एलर्जी जैसा है, हमारा मेरा निशाना उतना अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है, बहुत ही फालतू किस्म का निशाना है मेरा। कोई अगर इस राउंड के अंदर आया ना तो ही मैं मारूंगा, उसके बिना तो नहीं, बिल्कुल बैठा रहूंगा, अगर किसी को दिखा तो ही मैं मारूंगा। किल उतना भी बुरा नहीं है यार, सामने आ रहे हैं सब, मैंने मानता हूँ, मैंने कहा कि मैंने मेरा निशाना गलत है, कि मेरा निशाना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यार उतना भी नहीं है खराब, मेरे सामने आ जाओ। आज इतना ही आने का शौक है तो ठीक है, आ जाओ, मार के दिखा देता हूँ। अच्छा मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो मतलब एक ही गोलियां मारते हैं खत्म, मतलब अजीब सा, मतलब गन है उनके पास कि बहुत अच्छे गन होते हैं उनके पास। मेरा एक दो दोस्त है जो यूट्यूबर है, जो गेमिंग के ही सिर्फ दो यूट्यूबर हैं, ये गेमिंग करना पसंद है, बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ दो लोग बचे, तीन लोग बचे जिन्हें गेम खेलना बहुत पसंद है, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या यार कैसे ये गन मिल जाता है, तो उन लोगों का निशाना बहुत अच्छा होता है। वो मेरा भी, मेरे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा शायद, मेरे चैनल की डिटेल्स में आपको मिल जाएगा कि वो यूट्यूबर कौन है, लेकिन खैर बात को आगे बढ़ाते हैं कि मैं कहना चाहता था कि बहुत सारे लोग मुझे पूछे हैं कि चेस की क्यों बनाते हो यार, कुछ और स्ट्रेटेजिक्स गेम्स लाओ। देखिए मुझे जो आता है मैं वो करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो क्या ऐसे कर दिखाओ आपको, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई गलत चीज़ आपको दिखाऊँ या फिर जो मुझे नहीं आता वो मैं करके बताऊँ, तो उसमें क्या होगा कि मेरा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हाँ एक दो यूट्यूबर, एक दो सब्सक्राइबर सिर्फ जाएंगे, उससे तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने दिखा 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 एक दिखा है बहुत दूर, एक दिखा है तो एक, मैं जो बात कर रहा था कि एक दो सब्सक्राइबर जाएगा, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या है कि जो मेरे ऊपर आप लोगों का जो विश्वास है वो टूट जाएगा, तो मैं ऐसा करना नहीं चाहूंगा। विश्वास बहुत कीमती चीज़ है जो मैंने इतने दिनों में कमाया है आपसे, मैं उसे इसी तरह गंवाना नहीं चाहता। सिर्फ और दो लोग बचे हैं, वो देखो उस वहां पर देखो, देखा आ रहा है, आने दो आने दो आने दो आने दो, इक्का तो हो गया, चलो अभी एक और बाकी है, वहां पे छुपते छुपाते आ रहा है,
आपको मैं बता नहीं सकता कि मुझे क्या हो रहा है अंदर। अगर वो फिर से वहां पे आना, आने दे आने दे। और जीत गया भाई, जीत गया। बहुत ओह बहुत क्या कहूँ मैं आज। बिल्कुल बिल्कुल मेरा सेल्फी खींचने का इरादा है इसके साथ। करीब 5 हफ्ते के बाद मिला यार ये चिकन डिनर। ओफ ओफ बहुत ही ग्रेट रिलीफ। और यहाँ पर लिखा है विनर विनर चिकन डिनर। बिल्कुल चिकन चिकन तो नहीं खा पाऊँगा, मैं जैन हूँ मैं तो। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। चिकन डिनर तो नहीं तो वेज, नॉन वेज डिनर, वेज डिनर कोई भी हो सकता है। और टर्मिनेटर के टाइटल मिला है मुझे। बस अब चलते हैं, इतनी ही सी दूर ही थी हमारी मुलाकात। और मैं फिर से वापस आऊँगा आपके साथ नए वीडियो, नए गेमिंग के जो नए नए टैक्टिक्स है चेस में, चेस मास्टर क्लास में, और चेस की जो सुपर चैलेंज है, मास्टर चैलेंज है, उसमें भी आपका आपके साथ मुलाकात होगी। और ये जो चिकन डिनर, ये चिकन डिनर वाला कुछ मिला है, हेड शॉट। वाओ, मैंने कब किसको हेड शॉट मारा, मुझे ही याद नहीं यार किसको मारा था, याद है क्या आपको? तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हमें भी मज़ा आएगा। और ये जब वीडियो जब मैं बाद में देखूँगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा कि हाँ यार इसको तो मारा था मैंने। और ये क्या, ओह ओह क्या कमाल है, इसका तो कमाल है। इसे फेसबुक में नहीं यार, बहुत ही बचकानी लगेगी। हाँ एक और मिला है मुझे, देखो। तो दोस्तों अब चलते हैं, अब से अलविदा लेने की बात है। ये समय ना मुझे बहुत दुख होता है कि आपसे जब विदा लेने की बात होती है, कि जब आपसे मिलता हूँ तो मुझे अपने मन की बात बताने की सुविधा होती है। नहीं मैं इसका टाइटल कोई मन की बात नहीं रखने वाला। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से अलविदा दोस्तों, बाद में मिलते हैं। तब तक शुभ रात्रि।